आज पहले चरण के चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अभी तक रामपुर और मुरादाबाद के लिए बड़ी पसोपेश में फंसी हुई नजर आ रही है। जहां मुरादाबाद से एसटी हसन सपा के उम्मीदवार के तौर पर कल अपना नामांकन भरने आए थे, तो वहीं आज पूर्व विधायक रुचि वीरा ने सपा की तरफ से अपने आप को उम्मीदवार बताया और नामांकन किया। वहीं अब भी रामपुर में असमंजस जारी है। रामपुर से सपा के जिलाध्यक्ष के असीम रजा ने नामांकन पत्र खरीदे, वहीं एक नाम की चर्चा और है। हालांकि रामपुर से सपा किसी की उम्मीदवारी अभी तक तय नहीं कर पाई है। आजम खान ने जेल में से एक पत्र लिखते हुए अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया था, लेकिन अखिलेश यादव रामपुर से खुद मैदान में ना उतरकर रामपुर सीट के लिए अखिलेश यादव ने दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम मौलाना महीबुल्ला नदवी को सामने रखा है। नदवी मूल रूप से रामपुर के ही है और पिछले 15 सालों से मस्जिद में इमाम है। कुछ महीनों पहले उनकी मुलाकात सपा मुखिया अखिलेश यादव से हुई थी। अब तक यानी कि 26 मार्च तक चर्चाएं थी कि सीट पर सपा के उम्मीदवार अखिलेश यादव के चचेरे भाई तेज प्रताप यादव होंगे। फिर शाम को एसटी हसन की भी चर्चा होने लगी, लेकिन डॉक्टर हसन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मुरादाबाद हमारी कर्मभूमि है, मैं जो भी बना हूँ यहीं से बना हूँ, मैं मुरादाबाद छोड़कर किसी और सीट पर चुनाव लड़ने नहीं जाऊँगा। इन सब चीज़ों के पहले रामपुर समाजवादी पार्टी की जिला कमेटी ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर चुकी है। जिला कमेटी का कहना है कि चुनाव सामने है, आजम खान के ना होने पर हमारे साथ पिछले चुनाव में ज्यादती हुई, हमको हमारे घरों से निकलने नहीं दिया गया, हम चाहते हैं कोई बड़ा लीडर रामपुर से चुनाव लड़े ताकि हमारे हितों की रक्षा के साथ हमारी आवाज़ों को बल मिले। रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना नदवी सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। आज वो अपना नामांकन रामपुर सीट के लिए दाखिल भी कर सकते हैं।